अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट आलू की पकौड़ी। ये बहुत ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है, तो नाज़रीन चलिए बनाना शुरू करते हैं। झटपट आलू पकौड़ी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं स्क्वायर शेप में कटे हुए आलू, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, बेसन और पानी। नाज़रीन ये दो मीडियम साइज़ आलू हैं, इसके लिए मैं 4 चम्मच बेसन के डालूंगा। हमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है नाज़रीन, बस इसे इतना डालना है कि आलू जो है उसमें कोट हो जाए। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एंड रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टेबल स्पून। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे नाज़रीन थोड़ा सा। क्योंकि नाज़रीन ये मैंने आलू को काटने के बाद धोया था, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो ये देखिए थोड़ा सा इसमें मसाला लग रहा है, बट अभी हम थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें। मैंने 3 चम्मच पानी डाला है इसमें। ये देखिए नाज़रीन इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे आलू पकौड़ी की। ये लगा लगा सा बेसन होना चाहिए इसमें। ये हमने दूसरी तरफ अपना गैस रख दिया था, ऑयल इस पर गर्म हो चुका है। ऑयल की जो गैस फ्लेम है वो हम मीडियम ही रखेंगे नाज़रीन। और अब अपनी पकौड़ियाँ जो हैं हम तलने के लिए डाल देंगे। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करना है नाज़रीन मीडियम फ्लेम पे। नाज़रीन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारी पकौड़ी का कलर भी जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है और हमारी जो पकौड़ियाँ हैं ये रेडी हो गई हैं। अब हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन मैं आपको पकौड़ी का एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये अंदर से भी जो है ये अच्छी तरह कुक हो गई है जो आलू था इसका, और बाहर से बहुत क्रिस्पी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।